काफी होती है किसी के भी मन में डर बैठाने के लिए, और अगर एक के बाद एक लगातार कई गोलियां चल जाएं तो फिर सोचिए उस वक्त मंजर कैसा होगा। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद में ऐसी ही गोलीबारी हुई और गोली चलाने वाला कोई शख्स नहीं, कोई पुरुष नहीं, एक महिला थी। सेकंड के इस वीडियो में चार बार गोलियां चली हैं। दस बार गोलियों की आवाज गूंजी है। आखिर फायरिंग करने वाली ये महिला कौन है? क्या दिल्ली के गैंगस्टर नासिर की बहन है ये? गोली चलाने वाली महिला खुद एक लेडी डॉन है? इसने किस पर और क्यों चार बार फायर किया? पूरी कहानी तफसील से सुनो। ये इलाका है दिल्ली का जाफराबाद, और जिस जगह पर इस बुर्के वाली महिला ने चार गोलियां चलाई हैं, ये है जाफराबाद के चौहान बांगर की गली नंबर 4। गली नंबर 4 की एक दुकान का शटर देखिए। इस शटर पर अभी भी गोलियों के 4 निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। वीडियो है 18 नवंबर यानी 6 दिन पहले का। वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे, तभी गली नंबर 4 ताबड़तोड़ 4 गोलियों से हिल गई। एक वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल उस वीडियो में एक महिला जिसने बुर्का पहना हुआ है वो आती है रात तकरीबन 11 बजे के करीब और इस इलाके में गोलियां चलाती है इस बंद शटर पर। और आप देखें कि 4 गोलियों के निशान है यहाँ पर, 1, 2, 3 और 4, और उसके बाद गोलियां चलाने के बाद वो एक शख्स के साथ बैठ कर मोटरसाइकिल पर मौके से निकल जाती है। गोली चलाने वाली महिला का नाम है नुसरत। नुसरत ने इस शटर पर 3 गोलियां तो एक के बाद एक दनादन बरसाई। आखिरी और चौथी गोली इसने जाते वक्त चलाई। नुसरत के साथ आए बाइक चलाने वाले शख्स का नाम है इरफान, जो इसे बार बार ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन नुसरत गुस्से में आग बबूला है। नुसरत ने शटर पर गोली क्यों चलाई, इसकी डिटेल जानने के लिए हमने सीधे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP से सवाल पूछा। जब इनसे ये पूछा गया कि ये क्या वजह थी इसकी, इन्होंने बताया कि यहाँ एक जिसकी शॉप है वो फ़हीम है। फ़हीम की शॉप पे एक शाहरुख नाम का लड़का काम करता था, जिसने अपना मोबाइल फ़ोन फ़हीम को गिरवी रखा था, और ये शाहरुख काफ़ी समय से फ़हीम से बोल रहा था कि वो उसका मोबाइल फ़ोन वापस करे। फ़हीम वापस नहीं कर रहा था, तो ये महिला ने जाके उसको फ़हीम से बात कही कि इसका मोबाइल फ़ोन लौटा दो, जिस पर फ़हीम ने इसे मना कर दिया, जिस बात पर ये नाराज़ थी। और उस दिन 18 तारीख को ये वहाँ मौके पर पहुँच के इसने फायरिंग किया। तफ्तीश में हमने इसको आइडेंटिफाई करने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। DCP ऑफिस से मिली इंफॉर्मेशन के बाद हमें कुछ और जानकारी मिली। दरअसल जो शख्स फहीम शाहरुख का मोबाइल नहीं दे रहा था, वो नुसरत के यहाँ भी काम करता था, इसलिए फहीम के मोबाइल ना लौटाने पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और शराब के नशे में अपने सहयोगी के साथ पिस्तौल लेकर यहाँ पहुँच गई। दुकान चलाता था परचून की, उसके साथ उसका डिस्प्यूट हुआ था। दरअसल जो आरोपी महिला है उसका जो डोमेस्टिक हेल्पर है यानी घरेलू नौकर, उसका मोबाइल फ़ोन यहाँ पर इस दुकान के मालिक के पास गिरवी रखा हुआ था, लेकिन जब वो महिला अपने डोमेस्टिक हेल्पर का मोबाइल फ़ोन मांगने के लिए आई तो उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और